यहाँ पे कन्हैया कुमार खुल के बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे तो उस पर नहीं लगता है, और NSA एक्ट लगता है जो देशभक्त है, जो देश के लिए काम करता है, समाज का मुद्दा उठाता है, समाज को लेके चल रहा है, जात पात से हट के उस व्यक्ति पे NSA लग रहा है, ये छोटा मोटा बात नहीं, राहुल गांधी पे नहीं लगता, इस पे नहीं लगता है जैसे गद्दार पे, लेकिन मनीष कश्यप पे लग रहा है। PM का अब की बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर बहुत ही गलत लगा है। हर एक बिहारी को अब आना चाहिए सड़क पे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आने वाला टाइम में, जैसे अभी हम मीडिया में बोल रहे हैं, क्या पता हम पे भी NSA लग जाए। क्यों में लालू यादव ने 15 साल तक बिहारियों के भैंस की जैसा दूध निकाल दिया भाई साहब। बिहारियों के साथ राजस्थान में जाओ ना, कितना उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मकान मालिक सुबह होते चप्पल गिनता भाई साहब, ज्यादा होता रात को मार के भी भगा देता, कोई अगर पीपा लेता तो ज्यादा रात को भगा देता है उसके। अगर आज बिहार के अंदर में रोजगार होता तो हम क्यों बाहर आते हैं? मनीष कश्यप जी के साथ बेइंसाफी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, इसकी बहुत निंदा करी जाए, बहुत गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा, बहुत गलत हो रहा है। और मनीष जी हैं, कश्यप जी तो आने वाले समय में तो ये डर रहे हैं भाई। NSA लग गया अमरीश कश्यप के ऊपर। NSA पता है किस पे लगता है? ये किस पे लगता है पता है ना, वही तो कह रहे हैं। यहाँ पे कन्हैया कुमार खुल के बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे तो उस पर नहीं लगता है, और NSA एक्ट लगता है जो देशभक्त है, जो देश के लिए काम करता है, समाज का मुद्दा उठाता है, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहना चाहेंगे इसमें एक ही ऑप्शन है, अब केंद्र लेवल पे इसको ले जाना चाहिए जांच के लिए, और केंद्र लेवल के जो सरकार है गवर्नमेंट वो लोग को एक एक चीज जांच करना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट बहुत खराब है। ये एक्ट मतलब ऐसा है कि पॉलिटिक्स तो छोड़िए, कोई जिंदगी में जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो मान लीजिए राष्ट्रहित के लिए काम कर रहा है, समाज को लेकर चल रहा है, जात पात से हट के, उस व्यक्ति पे NSA लग रहा है, ये छोटा मोटा बात नहीं, राहुल गांधी पे नहीं लगता, इस पे नहीं लगता है जैसे गद्दार पे, लेकिन मनीष कश्यप पे लग रहा है, तो बहुत दुर्भाग्य है, देश के लिए दुर्भाग्य है, इसको जांच होना चाहिए केंद्र लेवल पे। बिहार में हुआ है ना, तो आज जन्मोत्सव रामनवमी था इसलिए पत्थरबाजी हो गया, आज जन्मोत्सव का नहीं कर लिया, जन्मोत्सव है समझ रहा है, हनुमान जी का है, आज तलवारों उलवार चल रहा है, क्या पता गदा से मार के सब मुल्ला भगा देते हैं। वो गया, वो टाइम गया, अब राम जी में वो लोग किया है पत्थरबाजी, अब परशुराम जन्मोत्सव भी हम लोग मनाएंगे, परशुराम जयंती मनाएंगे, सब मनाएंगे, ठीक है, अब पत्थरबाजी करो, अब पलटवार हम लोग करेंगे। तुम लोग ताजिया निकालते हो ना, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा 30% है तुम, और तुम्हारा तुच्छ भर इलाका है, तब तुम सरकार बोलती है कि हम लोग मतलब इलाका में नहीं आना है, ठीक है, अगर तुम लोग ताजिया निकालते हो, हम लोग 80% हम लोग में आते हैं, ठीक है, 80-70% में हम लोग जितने चाह लेंगे ना, ताजिया जो अपने छाते पे घुमा के रह जाओ, क्लियर वार्निंग दे रहे हैं कि भाई पत्थरबाजी उत्थरबाजी मत करो, क्योंकि अब हम लोग परशुराम बने मजबूर कर दियो, अब हम लोग तुम्हारा रामजन और ईद में सरकार की तो आई ना, क्योंकि पत्थरबाज तो घर में है, नो डाउट, जो मुल्ला लोग के घर में पत्थरबाज पनप रहा है, लेकिन उन लोग को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाला सरकार का काम है, क्योंकि जब तक संरक्षण सरकार नहीं करेगी तब तक उसका हिम्मत नहीं करेगा, काहे नहीं होगा, यूपी में कर लिया और गुजरात में हुआ भी तो सबको मारा जा रहा है, और लेकिन पश्चिम बंगाल में और उसके सपोर्ट में कूदा जा रहा है, ये क्या बोलते हैं वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट मिला है, और वो ममता बनर्जी बोल रही है, ममता बहनो, कि ये सब BJP दंगा करवा दिया है। बानो कौन है? वही ममता, अरे वो बानो ही, आपको नहीं पता है, वो बानो ही है, जैसे वो इटालियन, देखिए जैसे वो इटालियन कोक की पैदाइशी है, वैसे ई बानो है। अच्छा। आपको बता दे, बोल रही है कि BJP दंगा करवा दिया है, तो हम एक साथ में बोलते हैं ठीक है, हर स्टेट में BJP दंगा करवा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है 2500+, वो जो मिला जिसे बम विस्फोट बनता है या बम ब्लास्ट करवा सकता है, वो जो मिला क्या वो भी BJP जाकर रख दिया बंगाल में? तो सरकार इसमें पूर्ण ये है देशद्रोह है, जो कि ममता बनर्जी वाला मुगल पार्टी है, ये पार्टी लोग जब तक संरक्षण देगा तब तक ऐसे ही पत्थरबाजी होते रहेगा। बिहार में राजद्रोह लगा है, उस पर भी गलत काम कर रहे, बिल्कुल, अरे बोले ना यहाँ बहुत, हम तो चाहते हैं केंद्र लेवल पे जांच हो, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर बहुत ही गलत लगा है। हर एक बिहारी को अब आना चाहिए सड़क पे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आने वाला टाइम में, जैसे अभी हम मीडिया में बोल रहे हैं, क्या पता हम पे भी NSA लग जाए। क्यों? और NSA का मेन रीजन पता है क्यों होता है? NSA का 2-3 कारण होता है, एक तो या तो सरकार आपसे परेशान है, सरकार गिर सकता है, दूसरा कि क्या बोलते हैं आपसे देश को खतरा है, तीसरा स्टेट और राज्य, ये सब में आप खतरा है, तो कोई खतरा नहीं है, एक ही आदमी खतरा है सरकार, तो सरकार को तो हम भी चेतावनी दे रहे हैं, खतरा में हो तुम, NSA लगाना है लगाओ, लेकिन सरकार रियल में खतरा में है, वो जेल से जब भी बाहर आएंगे 12 महीने तक रख सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, 3-3 महीना करके प्रोसीजर बढ़ेगा, 12 महीना मैक्सिमम, उसके बाद आएंगे ना, दिन गिन लेना, उसके बाद से गिर जाएगा सरकार। देखो हम बिहार के शुरू से राजनीति, आप देखो जो बिहार के अंदर में लालू यादव ने 15 साल तक बिहारियों के भैंस की जैसा दूध निकाल दिया भाई साहब, आप बिहारी बचा ही नहीं, चारा खाने लायक बचा नहीं, दूध देने लायक बिहारी बचा, आज बिहार छोड़ के बाहर एक स्टेट में जाके नौकरी कर रहा है, वहाँ के मकान मालिक सुबह होते चप्पल गिनता बिहारियों का, कितने ज्यादा आदमी तो नहीं बढ़ गया, हम एक बिहारी कमाते 3 आदमी के पेट पालते हैं बिहारी, एक तो मकान मालिक को पेट पालते हैं, दूसरा वहाँ दुकान वाले को पेट पालते हैं, तीसरा घर के पेट पालते हैं हम उसके। अगर आज बिहार के अंदर में रोजगार होता तो हम क्यों बाहर आते हैं? आज आपके बिहारी के साथ राजस्थान में जाओ ना, कितना उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मकान मालिक सुबह होते चप्पल गिनता भाई साहब, ज्यादा होता रात को मार के भी भगा देता, कोई अगर पीपा लेता तो ज्यादा रात को भगा देता है,
सामान छीन लेता है, चलो मेरे साथ मैं बताऊँ आपको मीडिया लेके, फिर उसको पता चले कि हो रहा नहीं रहा। मनीष कश्यप ने सही दिखाया था, फिर उसने समझ गया जो हमको आप सरकार खतरा राजनीति मामला आपने देखे थे, ये तेजस्वी यादव ने उसके बेटे के बर्थडे में गया था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के बर्थडे में गया था, दोनों को मुलाकात हुआ था कि नहीं हुआ था, ये राजनीति मुद्दा है। आप भाई जो आप पुलिस को बोलोगे वही करेगा। आपने देखे थे नवनीत राणा के साथ क्या हुआ था, हनुमान चालीसा पढ़ने के जो देशद्रोह का मामला लगा दिया था, बाहर आया ना, सरकार भी गया, पार्टी भी गया, चुनाव चिन्ह भी गया, उद्धव ठाकरे की जिंदगी खत्म कर दिया उसने। वही होगा बिहार में, फुल टाइम वही होगा बिहार के अंदर में। आप सच को कब तक दबाओगे, ज्यादा दिन नहीं दबा सकते हो। आपने देखे होंगे यूपी के अंदर में हौज में जब योगी आदित्यनाथ रो रहा था, रोया था कि नहीं रोया था, आज देख लो सरकार में है ना, आज रोला रहे, रोलाने वाले को रोला रहे ना, तो सच को आप दबा नहीं सकते। तेजस्वी यादव जानता है जो हमारे काल बन के आएगा, जिस दिन आएगा काल बन के आएगा, ये काल बन के ही आएगा, जिस दिन आएगा तूफान बन के आएगा। ये नीतीश कुमार ही बचेगा, पार्टी तो बचेगी नहीं भाई साहब, और क्या 2024 तक में ही सरकार गिर जाए इसका देख लेना आप। 2024 चुनाव आता थे सरकार बच जाता, मेरे को बोलना कैमरा के माध्यम से, आपके कैमरा मैदान से बोल रहा हूँ, हम कह रहा हूँ ना 2024 से पहले सरकार गिर जाएगा बिहार के अंदर में, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं अमित शाह आप बहुत ढीला कर रहे हो, अमित शाह को गृह मंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और को बैठाना चाहिए, क्यों फैसला सख्त लेता नहीं है, आपने देखे होंगे नहीं कोई काम जब मतलब हाँ बिल्कुल सही हो गया है। बिहार में एक सरकार है सर जेडीयू और आरजेडी का जी, मनीष कश्यप गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पर एनए से लग गया, मतलब राजद्रोह का केस चलेगा। अब ऐसा है ना चलेगा जब उनके बस के नीतीश कुमार के और उसके लालू का लड़का कौन है आलू उसके तेजस्वी, हाँ जब उसके कुछ बस का नहीं रहा तो उनने की भाई इसको किसी हिसाब से घेरो, तो उसको इस वजह से उसके साथ जो भी हो रहा है मनीष कश्यप जी के साथ बेइंसाफी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, इसकी बहुत निंदा करी जाए, बहुत गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा, बहुत गलत हो रहा है। नीतीश कुमार को पीएम का कैंडिडेट बताया जा रहा है, पीएम का अब की बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत बड़ी बात होगी उनकी, अब की बार 10 सीटें भी नहीं आएंगी बिहार में, अभी आप लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अभी आप देख लेना, तो बहुत दल बदलू हैं, लेकिन अमित शाह जी ने कह दी उनकी एंट्री अब बंद हो गई है। अच्छा। अब वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ नहीं आएंगे, ना उन्हें कोई बुलाएगा। क्या सरकार फिर से बीजेपी जुड़ना चाहे तो या चिराग पासवान भी है? हाँ वो मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान बिल्कुल बनेंगे, युवा युवा चेहरा है ना भाई साहब, बीजेपी के साथ रहेंगे, युवा चेहरा है मनीष कश्यप जी, यही युवा चेहरा, ये अगर इन्हें एनएसए लगा दी तो ये क्या सोच रहे, वो तो जो कोर्ट है, जो कोर्ट ने उनसे कहा उन्हें एनएसए लगवा दी तो को बहुत बड़ा उन्होंने वो कर लिया, लेकिन वो उससे डर रहे ना कि कल को ये आने वाले समय में चिराग पासवान जी हैं और मनीष जी हैं कश्यप जी, तो आने वाले समय में तो ये डर रहे हैं भाई, तो इस डर इसलिए रहे हैं कि अब हम तो लालू का तो तेजस्वी यादव बन नहीं सकता, ये आठवीं क्लास तक पढ़े हैं तो इनका तो कोई है ही नहीं मुख्यमंत्री का, ठीक है ना, और ये वैसे ही ईडी में फंस रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए इनका तो काम खत्म हो गया।